अच्छा, अगर रेफरेंशियल इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट को ही थोड़ा और ज़्यादा अच्छे तरीके से समझना होना तो हम इस एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं, जिसमें हमारे पास एक डिपार्टमेंट का टेबल है जो कि हमारा बेस टेबल है। बेस टेबल हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसकी वैल्यू स्टूडेंट में यूज़ हो रही है, क्योंकि स्टूडेंट में एस डिपार्टमेंट नंबर पड़ा हुआ है। स्टूडेंट की प्राइमरी की ये है, DID की जो है ना प्राइमरी की है डिपार्टमेंट की, और स्टूडेंट का डिपार्टमेंट नंबर ये वाली वैल्यू आ रही है, ये रेफरेंस है, ये ऐसे, ठीक है। सो ये रेफरेंस टेबल है और ये बेस टेबल है। अब रॉन्ग वैल्यू होने के चांसेस कब कब होते हैं, हमें ये भी तो पता होना चाहिए ना कि रॉन्ग वैल्यू हो कब कब सकती है, तो उसकी ना कुछ एक दो एग्जांपल्स देख लेते हैं। हम डेटा में क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं, या तो हम कोई नया रिकॉर्ड ऐड कर सकते हैं, यानी कि कोई नया रिकॉर्ड जो है ना वो हम अपने डेटाबेस में डाल सकते हैं, या तो हम डिलीट कर सकते हैं या अपडेट कर सकते हैं। सो लेट सपोज़ हम देख लेते हैं कि इसका क्या क्या फ़र्क पड़ेगा किसी टेबल पे। सॉरी, ये इतना से सेट नहीं हो रहा। अच्छा, लेट सपोज़ हम बेस टेबल में कोई नई वैल्यू ऐड करते हैं, हम क्या करेंगे, एक नया डिपार्टमेंट बना देंगे, एक नए डिपार्टमेंट का नया नाम रख देंगे, लोकेशन रख लेंगे। अगर हम कोई ऐसा काम करते भी हैं तो इससे कोई वॉयलेशन नहीं होती, ठीक है। सो इधर हम लिख देते हैं क्या, नो वॉयलेशन। नया टेबल बनाया, नया आ गया डिपार्टमेंट, कल को उसमें बच्चे भी आ जाएंगे, अगर उसमें बच्चे नहीं भी हैं तो फ़र्क नहीं पड़ता, बस एक डिपार्टमेंट है जो हमने नया बना दिया, ठीक है। अब लेट सपोज़ हम क्या करते हैं कि ऐड करते हैं एक नया स्टूडेंट अपने डेटाबेस में, और स्टूडेंट को जब हम ऐड करते हैं तो इट मे कॉज वायलेशन। कैसे, वो ऐसे कि हम स्टूडेंट को जब ऐड कर रहे हों तो उसका डिपार्टमेंट नंबर कोई ऐसा रख दें जो कि डिपार्टमेंट नंबर यहाँ पे एग्जिस्ट ही ना करता हो। सी, यहाँ पे अगर कोई नया एक डिपार्टमेंट आ भी जाता है उससे स्टूडेंट को फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर कोई नया स्टूडेंट ऐसा आ जाता है जो कि एक ऐसे डिपार्टमेंट में एग्जिस्ट करता है जो यूनिवर्सिटी में ही एग्जिस्ट नहीं करता, तो तब वॉयलेशन आ सकती है। सो जब भी आप रेफरेंस टेबल में वैल्यू ऐड करेंगे तो आपको इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा कि जो रेफरेंस है, यानी कि जो आपके पास फॉरेन की है, उसमें आप वही वैल्यू ऐड करें जो कि उसके उसके बेस टेबल में एग्जिस्ट भी करती है, यानी स्टूडेंट को उसी डिपार्टमेंट में डालें जो डिपार्टमेंट आपकी यूनिवर्सिटी में एग्जिस्ट करता है। आप और डेटा को क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। सो लेट्स सपोज़ अगर आपने डिलीट किया एक डिपार्टमेंट तो क्या मसले आ सकते हैं। अगर आप एक डिपार्टमेंट को डिलीट करते हैं ना, तो दैट मे कॉज वायलेशन। अब ये कैसे, अब ये ऐसे कि लेट सपोज आप एक ऐसा डिपार्टमेंट डिलीट कर देते हैं जिसमें स्टूडेंट्स एग्जिस्ट करते थे, अब क्या होगा, अब जो स्टूडेंट्स उस डिपार्टमेंट में एग्जिस्ट करते होंगे वो स्टूडेंट्स कहाँ जाएंगे, उन स्टूडेंट्स का रेफरेंस तो ख़त्म हो गया, तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, कोई ना कोई वॉयलेशन हो सकती है। सो आप ये काम नहीं कर सकते कि कोई डिपार्टमेंट को डिलीट कर दें ये देखे बगैर कि कहीं उसमें कोई बच्चे एग्जिस्ट तो नहीं करते, क्योंकि बाद में उन बच्चों के लिए वो वैल्यू रॉन्ग हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर आपने डिलीट करना हो स्टूडेंट टेबल में से, तो उसका डिपार्टमेंट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, डिपार्टमेंट में से अगर बच्चे निकल भी जाएँ तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यानी कि नो वॉयलेशन। यानी कि जब आप डिलीट कर रहे हों तो बेस टेबल में देख के डिलीट करें, वही डिपार्टमेंट डिलीट करें जिसमें कोई बच्चा एग्जिस्ट ना करता हो। लेकिन अगर आप रेफरेंस टेबल में से, यानी स्टूडेंट में से कोई स्टूडेंट को डिलीट कर रहे हैं, तो डिपार्टमेंट को फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद आ जाएं अपडेट करने पे। अब अपडेट आप कैसे कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं कि आप लेट सपोज़ डिपार्टमेंट का ID चेंज कर दें। अब अगर तो आप डिपार्टमेंट का नाम चेंज करके, डिपार्टमेंट का ID चेंज करके इस तरह से चेंज करते हैं कि 2 से 3 रख देते हैं, तो मसला यह है कि अब जो बच्चे 2 को रेफ़र कर रहे थे उन्हें नहीं पता कि वापस किधर जाना है, उन्हें नहीं पता कि 2 का 3 हो चुका है। इसका मतलब है अगर आप अपडेट करेंगे इन योर बेस टेबल तो रेफरेंस वाले टेबल को मसला होगा, उसमें जो 2 को पॉइंट करा होगा अब उसे नहीं पता कि किधर वापस जाना है। इसका मतलब है कि अपडेट करते वक्त बेस टेबल मे कॉज वॉयलेशन, जबकि अगर आप अपडेशन करें इस टेबल में, रेफरेंस में
करें, लेट्स सपोज वो एक डिपार्टमेंट में था डिपार्टमेंट नंबर 1 और आपने उसे कर दिया डिपार्टमेंट नंबर 1 से डिपार्टमेंट नंबर 2 में, तो कोई बात नहीं, पहले वो CS का स्टूडेंट था अब वो BBA में जा चुका है, कोई मसला भी नहीं है। बट लेट्स सपोज अगर आपने उसे 1 से कन्वर्ट कर दिया इनटू 7, यानी ऐसे डिपार्टमेंट में जो डिपार्टमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो तब मसला आ सकता है। इसका मतलब अपडेशन में जो है आपके पास यहाँ पे मसला आ सकता है तब, जबकि आप ऐसे चेंजेस करें जो कि एग्जिस्ट ना करते हो। फॉर एग्जांपल 1 से 2 में किया, यानी कि कंप्यूटर साइंस से BBA में किया, वो समझ आता है कि कंप्यूटर साइंस से BBA वाले डिपार्टमेंट चला गया। लेकिन अगर आपने कंप्यूटर साइंस से उसे लेट सपोज लॉ के डिपार्टमेंट में डाल दिया, जो कि डिपार्टमेंट आपकी यूनिवर्सिटी में एग्जिस्ट भी नहीं करता, तो उस वैल्यू ने जो है ना वो गड़बड़ करनी है। ठीक है, सो हमने क्या देखा इस वक्त इस वीडियो में कि हमारे पास क्या होता है, कभी कभी दो टेबल्स के दरमियान में कोई रेफरेंस होता है। ठीक है, अब रेफरेंस कैसे होता है कि एक टेबल की प्राइमरी की जो है ना वो दूसरे टेबल की फॉरेन की बन रही होती है। तो हमने देखा है कि अगर इस तरह से डेटा एग्जिस्ट करता हो ना, तो फिर हमें उसको उन टेबल्स में नया डेटा ऐड करते वक्त, उसे डिलीट करते वक्त और अपडेट करते वक्त कोई ना कोई मसला आ सकता है। अगर हमने नई कोई चीज़ ऐड करनी हो, रिकॉर्ड ऐड करना हो, इंसर्ट करना हो बेस टेबल में, तो कोई वॉयलेशन नहीं होगी, बस एक नया डिपार्टमेंट है जो कि बन जाएगा, कल को उसमें बच्चे भी आ जाएंगे। लेकिन अगर हमने रेफरेंस टेबल में कोई नया स्टूडेंट ऐड करना हो, तो हमें इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा कि हम उसे वही डिपार्टमेंट नंबर दें जो डिपार्टमेंट ऑलरेडी यूनिवर्सिटी में एग्जिस्ट करते हैं। अब जब हमने डिलीट करना हो, तो डिलीट करते वक्त भी हमें ख्याल रखना पड़ेगा कि हम किसी ऐसे डिपार्टमेंट को डिलीट ना कर दें जिसमें बच्चे एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन अगर बच्चों को हम डिलीट कर भी दें तो डिपार्टमेंट पे फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, उस डिपार्टमेंट के बच्चे ख़त्म हो जाएंगे, तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट सेमेस्टर में नए आ जाएंगे। अब अगर हम नीचे आएँ अपडेट में, तो अपडेट में ये हो सकता है कि जब हम अपडेट करें एक डिपार्टमेंट का ID बदल के 2 से 3 कर दें, तो यहाँ पे जितनों का भी 2 ID होगा वो उन्हें अब नहीं पता कि किधर पॉइंट करना है, तो अपडेट करते वक्त वॉयलेशन आ सकती है। लेकिन अगर यहाँ पे अगर हम स्टूडेंट के टेबल में स्टूडेंट का डिपार्टमेंट चेंज कर दें, तो 2 चीज़ें हो सकती हैं। या तो ये हो सकती है कि हम उसे स्टूडेंट को एक डिपार्टमेंट से दूसरे भी उसी डिपार्टमेंट में शिफ्ट करें जो ऑलरेडी उस टेबल में एग्जिस्ट करता हो, तब कोई मसला नहीं आएगा। लेकिन अगर हम किसी नए डिपार्टमेंट ID में ऐड कर दें, डिपार्टमेंट नंबर दे दें उसको, जो डिपार्टमेंट नंबर आपके बेस टेबल में एग्जिस्ट ही ना करता हो, तब इस चीज़ की वजह से क्या हो सकती है, वॉयलेशन क्रिएट हो सकती है।